अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप साहब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी अभी सब फ्रेश हो गए हैं, नाश्ता भी सबका हो गया है और अभी मैं जाने लगी हूँ किसी को गिफ्ट देने के लिए, जो कि मेरे बहुत ही प्यारे से भाई हैं। और इसके अलावा अभी मैंने वापस आकर फिर दोपहर का खाना बनाना है। मुस्तफ़ा अभी स्कूल से आ गया, मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है तो मैंने सोचा कि मैं बाहर अभी हो क्यों, हवा भी देखें ठंडी ठंडी चल रही है। अच्छा, गिफ्ट जिसको देना है वो बैंक मैनेजर हैं और बहुत ही एक बहुत ही अच्छा हमारा उनके साथ एक रिलेशन बन गया, बहुत ही अच्छे भाई हैं। और बिना जैसे कोई मतलब कि एक बहुत कम लोग इस दुनिया में मिलते हैं, जो कि ज़्यादातर कहीं पे भी जाओ आपको मतलब ही ज़्यादा मिलेंगे और बिना मतलब के जो काम आते हैं वो बहुत कम मिलते हैं। तो वो कुछ इस तरह के, काफ़ी दफ़ा मेरी पेमेंट का इशू हुआ है, काफ़ी दफ़ा उनको पता था कि इसको ये नहीं है ज़्यादा पढ़ी लिखी, इसको नॉलेज नहीं है। काफ़ी उन्होंने हमें गाइड किया, मतलब हर काफ़ी प्रॉब्लम्स मेरी पेमेंट में आए तो उन्होंने काफ़ी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की। अभी भी मैं 2 महीने वहाँ थी तो पीछे मेरी पेमेंट नहीं आ सकती थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प की मेरी पेमेंट हर महीने मुझे दिलवाने में। तो इस तरह से किस्मत के रिश्ते जो होते हैं ना वो मिलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा मैं उनके लिए सऊदी अरब से यही एक प्यारा सा गिफ्ट है, जो कि जमजम खजूर और तस्बीह हो गया और जायनमाज हो गई, तो मैं यही चीज़ उनके लिए लेकर जाऊं। और बस अभी मैं वहीं जाने लगी हूं, उनको देकर आती हूं, जो कि मुझे भी बड़ी खुशी होगी और भाई भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और ये मैंने जमजम की बोतल यहां से ले ली है, इसके साथ साथ ये जाए नमाज है जो मैं भाई को दूंगी, और साथ में ये तस्वीर, इसमें खजूर और इसमें कैप हो गई। आयन आज जल्दी से पापा बाहर गए, जल्दी भाग के जाओ। अच्छा ले आओ, नहीं उठाने दे रहे थे पापा, ले आओ। बाहर ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना। अच्छा, ये भी शुक्र है कि वहाँ से जैसे आए हैं ना, कराची का मौसम बहुत प्यारा है। अंदर बैठो ना, तो अंदर तो गर्मी होती है लेकिन बाहर निकलो बहुत ठंडा है। आ जाओ आज बैठो। एक तो आयत को ना, जैसे बच्चों को फ्रंट पे बैठने का शौक होता है, आयत को ना पीछे बैठने का शौक। ओ नीचे गिर गया, बाय बाय। बस अब इसे रहने दो, ठीक है? ये लो बस। बैठो। अच्छा, चल बैठिए, चलो आगे आगे चलो जी। बैंक के काम हो रहे हैं यहाँ पर। इधर जाना अच्छा खासा टाइम लग गया है हमें, बहुत ज़्यादा भाई बिजी थे, आयत ने भी बहुत परेशान किया। बस अभी घर के लिए निकलते हैं यहाँ से जी। इसके शूज़ उतार दो मुस्तफ़ा, ब्रश मम्मा को दो, मैं आपको ब्रश करा दूँ। इतना तंग करती है ना बाहर जाने के लिए, खुश भी बहुत होती है और तंग भी बहुत करती है बाहर जाके, शरारती गुड़िया। अच्छा, ये वही पेपर हैं जो मुस्तफ़ा यहाँ से नहीं दे के गया था, फाइनल एग्जाम में हम चले गए थे तो वापस आकर अपने वही पेपर दे रहा है। इंशाल्लाह मुस्तफ़ा बहुत जल्द 6th क्लास में चला जाएगा। अभी तो छुट्टियाँ हो गई हैं, एग्जाम होगा, छुट्टियाँ आएंगी फिर 2 महीने बाद। अभी छुट्टियाँ हो गई हैं, सिर्फ मुस्तफ़ा ही अकेला स्कूल जाता है अपने एग्जाम के लिए। तैयबा जूस पीना है आपको? जूस दे दो, 1 मिनट। नीचे चलो, फ्रिज में पड़ा है, ये लो वहाँ पे बैठ के पी लो। आयत मम्मा ने उठा लिया आपका, आ जाओ। ये मुझे भी बहुत पसंद है, पता है कहाँ से लेके आई? ओशन मॉल पे मिल रहा था। आयत के ड्रेस से बिल्कुल दादी अम्मा के बाल सबको पसंद है। बस आप इसे स्कून से खाओ। मोबाइल उठाकर बैठती है ना तो मोबाइल देखने का नहीं होता, तो ये देखिए इतना इन्होंने खा भी लिया, थोड़ा सा बचाया है। काफी टाइम बाद ये नैना लेकर आए, खाने को मिला है, अच्छा लग रहा है वैसे। टेस्टी है, मीठा मीठा है ना। फूल है इसके अंदर, मेरे लिए लाई हो फूल, कहाँ से तोड़े? घर से मेरे लिए फ्लावर लेके आई है यार। चलो वापस अब इसके ऊपर रख दो। और माशाल्लाह से पूरा घर देखिए हमारा भरा हुआ है, बाबर दिलबर साथ में उनकी फैमिली, नैना भी आई हुई है, सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, शेखू कौन सा? ये शेखू है, इसका नाम शेखू रखा हुआ। अच्छा, ये मेरे जाने के बाद रखा है। और ये देखिए दिलबर क्या लाया है मेरे लिए, और इसमें देखिए इसने फ्लावर निकाल के रख दिए, लेकिन काफी लेट कर दिया दिलबर। अगर ये जल्दी लाते ना तो ये सूखते ना। नहीं, ये चलेंगे, तुम देखना सुबह इसको, ये देखना ये ठीक हो जाएगा। तुम देखना ये ना चलेंगे ऐसे करके। अच्छा। और डांस भी करेंगे ये सुबह, ठीक हो जाएंगे, देखना तुम। अच्छा, देखना तुम। चलो अभी तो काफी सूखे हुए हैं, जादू होगा, देखते हैं कि ये ठीक हो जाए सारा, देखे नीचे भी सब फैला दिए, घर भी आ जाएगा। हाँ दिलबर कह रहे सारे चलेंगे। नहीं आता, अच्छा चलो आप अभी इनकी वीडियो दिखा लो, फिर कल इसकी वीडियो देखना हमारे घर पर होंगे। अगर ये फ्रेश फूल मारने के लिए तो फिर बोलो। चलो ठीक है, अभी अच्छे से इसको देख ले कि ये कैसे हो गए, अभी सुबह देखेंगे ये चलते हैं या नहीं चलते। आपके पापा क्या बोल रहे हैं?
फूल चल के आएंगे, फूलों का तो पता नहीं लेकिन माशाल्लाह से इंशाल्लाह ईद तक ये चल के आएगी। हाँ इंशाल्लाह, हाँ फूल पता नहीं चलते हैं नहीं फूल कल, चलो भाई प्रॉमिस हो गया कल फूल अगर ना निकले हो तो फिर बोलो। दुआ क्या हुआ रौन है कि इतना हल्ला गुल्ला शोर हो रहा है? हमजा गाड़ियाँ अच्छी है, हमजा तो उसे बात ही नहीं करता। ओ मेरा दूध, मेरा दूध, शुक्र है बच गया, मैं टाइम पर आ गई, अंदर में उनसे बातों में लग गई थी, शुक्र है मैं टाइम पर आई हूँ। देखे नीचे नहीं गिरा, पूरे पूरे टाइम पर आई। ये दूध चीनी सब कुछ कस्टर्ड में साथ में रख के गई थी, मैं बच्चों के लिए कस्टर्ड बना रही थी और पूरी फैमिली सब आ गए। ये मम्मा का कप केक, रो रहा था मेरा बच्चा, आज ओपन कर दो ऐसे लेके भाग रही हो। आयत कस्टर्ड के लिए यहाँ पर हमारा पेस्ट भी तैयार हो गया। हाँ मेरा बच्चा कस्टर्ड बन रहा है। अच्छा केक भी डालती हूँ, केक भी मैंने मंगाया हुआ है, बस रेडी हो गया। अभी देखिए अभी जाओ आप खेलो, अभी लेट है, जूस दूँ पूरा फिनिश करना है, सुबह भी आपने पूरा नहीं लिया था। अभी और भी गेस्ट आने हैं तो दूध मैंने चाय का मंगा के रख लिया है, कस्टर्ड भी हमारा यहाँ पर तैयार हो गया, तो अब बस मैं अपनी चाय रखती हूँ। और ये देखिए ये केक थे जो तैयबा कह रही थी कि मम्मा कस्टर्ड में ज़रूर डालना है, तो ये इससे जो है ना केक का टेस्ट, सॉरी कस्टर्ड का टेस्ट बहुत अच्छा होता है और बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। यहाँ पर आए हो ना बच्चों के लिए काफ़ी कुछ मुझे ज़रूरत पड़ता है तो बार बार मुझे नीचे जाना पड़ता है, फ्रिज भी नीचे है, तो अभी बाबर दिलबर साहब आए हुए थे तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि सारे मिल के जो है ना मुझे फ्रिज ऊपर रखवा दे, ताकि बार बार नीचे जाना पड़ता है आयत के लिए, आयत का कुछ खाने का रखना होता है या फिर मुझे भी कुछ खाना बनाना होता है ना, नीचे ऊपर जा करना काम पूरा हो जाता है, और ये है कि मुझे फिर आसानी भी होगी बिल्कुल अगर यहाँ पर साथ होगी तो। और फाइनली हमारी फ्रिज भी ऊपर आ गई है, अब मुझे बहुत ईजी रहेगा यहाँ से सामान लिया और यहाँ पर रख दिया, सब्र नहीं हो रहा था अभी देर है खाने में। मैंने जल्दी से देखे मसाले यहाँ पर निकाल लिए और भिंडी मैंने काट के रख दी है, कस्टर्ड तैयार हो गया है, चाय के लिए मैंने यहाँ पर बर्तन रख दिया है, अभी चूल्हा चलाना है, मैंने कहा फिर से ना ये चला जाए दूध गिर ना जाए, और साथ में यहाँ पर सालन के लिए भी ये मैंने पैर निकाल लिए, और ये मेरे जाने के पीछे हुआ है, पता नहीं कैसे ना इसको वॉश करते रहे तो ये सारा ये निकल गया। ये क्या होता है, क्या किया पीछे इसमें, क्या होता है, पकोड़े बनते हैं और पकोड़े कैसे बनाए आपने, सारा मेरा ये नॉन स्टिक था खराब, यूज होगा तो साफ रहे। हाँ, तो फिर आपको बताना चाहिए था ना कि कैसे यूज करते हैं इसे। सुन रही हो बातें, कहती इसको छुपा के जाती फिर क्या, या तो तुमने मेरी हेल्प करानी है या फिर जल्दी मुझे एक बात कर दे, मैं चल जाऊंगी। हाँ। कल के व्लॉग में देखा तुम्हारे साथ बनाया था, अभी फिर से बना रही। वो खत्म हो गया, वो कल का था, कल का व्लॉग अभी देख कर आई हूँ इसलिए, अभी मैंने ये जल्दी पकाना, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम जाओ। यहाँ घर है कि मुझे ना इलायचियाँ मिल गई हैं जो मैं वहाँ सौदिया से लेकर आई थी, ढूंढ रही थी कब से ना, यहाँ पर चाय को छोड़ के ना मैं नीचे चली गई थी, बैग सारे मैंने खोले हैं तो ये इलायची का ये जो बड़ा सा पैकेट है ये मिल गया। इसके लिए ना मैं कोई एक बड़ा सा जार बनाऊंगी, ये फिलहाल तो अभी मुझे दो ही काम आनी है, दो इनकी खुशबू माशाल्लाह से, यहाँ पे जो इलायची होती है उनसे इनकी खुशबू काफी तेज होती है। हाँ किसने लेकर दी, आप लेकर आई हो कुल्फियाँ, फादिया भी लेकर आई है, सब बच्चों ने कुल्फियाँ ली हुई हैं। हाँ आयत क्या है, आइसक्रीम है। अल्हम्दुलिल्लाह से सारी डिशे हमारी तैयार हो गई हैं, ये चाय की डिश तैयार हो गई है और ये जमजम और खजूर की डिश तैयार हो गई है, इनके साथ जो मैंने गेस्ट को देना ना वो साथ में इधर ही चाय का कप रख लेते हैं। हाँ अब ये डिश जो है ना बिल्कुल सही से बन गई है, और ये हमारी मेहमान है, हमारी खाला है, अभी आप खजूर भी लें और ये जमजम का पानी है साथ में, और ये बाकी हम सबके लिए चाय और बिस्किट। डिश बहुत हैवी हो गई है, शाहरुख ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये कुछ नीचे देने हैं, पहले मैं अपने निकाल लेती हूँ, मैं अंदर ढूंढ रही हूँ आप कहाँ गई थी, चाय पता नहीं मैं फिर किचन में गई, चाय ये रही ना आप अगर चाय की खुशबू आ गई ना, इसलिए तो ऊपर आ गया। चलो देखो अब लाइन से सब आ रहे हैं, अभी बाबर भी आ गया, चाय की खुशबू आ गई ना, देखे चाय मैंने इतने दिनों बाद बनाई है लेकिन इतने इलायची वाली मजे की बनाई है, सबको खुशबू आ रही है, अच्छी बनी ना, आज मैंने इतने दिनों बाद बनाई इसलिए अच्छी बनी, बनाती रहोगी ना अच्छी बन जाएगी। रोज मैं ऐसी बनाऊंगी, कोशिश करूंगी जी, मुझे नहीं बिस्किट नहीं आई है, जा रही है दुआ, इधर नहीं रहना मेरे, दुआ को ना मेरे घर में चाय बना के दिया, चुपचाप बैठी रहती है, झाड़ू लगा देगी, पोछा लगा देगी, सुबह सुबह बैठ जाएंगे। क्या देख रही है बुढ़िया, क्या देख रही है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो मेरे साथ रख लो उसको अपने पास पोछा बना के, ये देखो
ये देखो ये बेबी हम रख लें, बेबी रख लें, रखे बेबी नहीं बस नहीं जी बोलो हाँ बोलो ये तो गुड़िया की तरह है, डॉल की तरह जैसे घुमाओ वैसे घूम जाती है, डॉल है ये तो, डॉल भी लबड़ी गुड़ा चलो जाओ 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 बाय 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 कल अपने काम पे टाइम पे आ जाना वरना तो वो तुमको काम वाली बाई हो ये काम वाली बाई है चूड़ी काम वाली बाई है पता नहीं छत पे क्या देख रही पंखा चलता हूँ कि पंखे कल कैसे साफ करेंगी पंखे देख रही है कि पंखों की कल कैसे सफाई करेंगी आयत स्कूल जाने का शौक लगा हुआ है आयत को बैग किसका पहना हुआ है किसका ये बैग हाँ किसका बैग है ये दद्दा का बैग पहन के आई हो हाँ घूम बहुत शौक है इसको स्कूल जाने का और आते ही वॉल्स देखें कितनी गंदी कर दी है ये सारी लाइनें इसी ने मारी है इतना पढ़ाई का शौक है पढ़ाकू हाँ पढ़ेगी आयत कहाँ से मेहंदी लगवाई दिखाओ किसने लगाई है हीरा ने लगाई है हीरा आपी ने तो बहुत प्यारी मेहंदी लगवाई हाँ हाँ ये देखो अब इसे भी शौक लगेगा कि कहाँ से लगवा के आए बच्चे तो खूब एंजॉय कर रहे हैं मेहंदी लगवा के आए हुए हैं हाँ तो बाप को जिन ले गया था फिर किसने कहा इसे डराने के लिए बोला ये क्या बनाया मेरी शहजादे ने हाँ क्या बनाया मेरे ब्रेड के अंदर न्यूटेला डाले उसको बीच में से कट करके इसके अंदर अच्छा इसके अंदर इसका सैंडविच तैयार हो रहा था और वो भी न्यूटेला चॉकलेट डाल के ऐसे ही बना लेते अच्छा बन माशाल्लाह यहाँ तो बहुत प्यारी मेहंदी लगाई जा रही है हाँ देख लो फिर मेरा तुम्हारा हाथ अभी बहुत अच्छा हो गया मेहंदी में मुझे लगाओगी ना फ्राइडे वाले दिन अच्छा फ्राइडे को ये वापस जा रही है मुझे लगा के जाना इससे ज्यादा मुझे अच्छी लगाना सही है ये बहुत फिर अगली बार मुझे उससे भी ज्यादा अच्छी लगा अगली बार ये चली जाएगी आएगी ना पंजाब से वापस फिर मुझे इससे भी अच्छी मुझे मत लगाना ही कोई लगाना इसको जरूरत नहीं है बस इसको रहने दो ऐसे ही ये वाला डिजाइन अपनी जगह पे अच्छा लग रहा है ये उससे भी ज्यादा प्यारा लग रहा है ये जो बन रहा है ये दूसरा भी अब सितारा को इससे भी प्यारी फिर जब सितारा को लगा मुझे फिर उससे भी प्यारी नहीं मुझे हर बार ऐसे कर करके ना तुम्हें और न्यू डिजाइन हमने सिखाने हैं ये सीख जाएगी हीरा सबको लगाते लगा अच्छा ये अमीर के ड्रेस है जो की मैं वहाँ सऊदी अरब से लाई हूँ अलकरात मॉल से अलकरात मुझे फिर से याद आ गया जहाँ पे मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है इसके अलावा ये मैंने प्यारा सा ब्लैंकेट लिया है और ये जूते भी लिए हैं एक और भी हैं वो भी मुझे मिल नहीं रहे और ये हमजा के लिए लिए हैं मैंने ये हमजा का है और ये अमीर का इल्ला और नन्ना सा मेहमान मेरे जाने के बाद कौन सा नन्ना सा मेहमान आया है हाँ जो पहले सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है और ये रहा नन्ना सा मेहमान बाबर का अमीर जो कि आया है और अमीर की शॉपिंग भी मैंने अमीर मॉल से ही की है ना हमजा का छोटा भाई आ गया मुझसे पहले तो खैर आप सबने देख ही लिया होगा इसे वीडियोस में मैंने अभी आकर देखा यहाँ पर तो मैंने कहा आज मैं जो है ना इसका फेस रिवील करती हूँ बेबी का और ये लग रहा है ना हमजा की तरह थोड़ा थोड़ा है ना आपको क्या लगता है मम्मा को क्या हमजा की तरह ना हाँ अब ये थोड़ा बड़ा होगा ना तो सही से पता चलेगा हाँ और मुझे लगता है मैं कपड़े इसके बड़े बड़े लाई हूँ देखो कपड़े बड़े है ना बड़े लेकर आई हूँ चलो इसके बाद में चल जाएंगे फिर ये तो ज्यादा पढ़ी ले आई हूँ अमीर तो भी बहुत छोटा है ना अच्छा बस 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 ये डिस्टर्ब हो गया असल में आज इसको ना वैक्सीन भी लगी है ना तो इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है इसको सुला देते हैं आराम से यहाँ पे सो जाओ मीर भूख लग रही है हाँ देखो कपड़े को खा रहा है इसकी मम्मा के हाथों पे तो इतनी प्यारी सी मेहंदी लगी हुई है अभी क्या कर सकते हैं फीडर है इसका मैं देती हूँ इसको बहुत भूख लग रही है मीर अच्छा बस बस अभी पापा की गोद में जाके देखो कैसे आराम कर रहे हैं चलो ये सामान मैं शॉपर में डाल लेती हूँ क्योंकि सुमेरा के हाथ पे तो मेहंदी लगी हुई है अब ये शॉपर रह गए अभी सब हंस रहे हैं जैसे कह रहे हैं कि ना मैंने तंज मारा हो कि सुमेरा के हाथ पे मेहंदी बाकी में मेहंदी लगी है मेहंदी लगी हो कपड़े कैसे डालेगी कपड़े ऐसे सारे कलर ना लग जाए हाँ जूतों का देखें तैयबा ने अलग से शॉपर बना दिए चलो बाय बाय अल्लाह हाफिज बाय बाय फादिया क्या हुआ चलो ऊपर दूध क्या करना है मैंने कहा था
चौकस बनाओगी, पड़ा हुआ है ऊपर आ जाओ। अच्छा सालन जो है ना मेरा अभी तैयार हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है किचन में। इसके अलावा एक पे एक गेस्ट उस टाइम आता गया क्योंकि अभी मुबारकबाद देने के लिए हर कोई आ रहा है, हर कोई जो भी जानने वाला है सब आ रहे हैं, फूलों के हार पहना रहे हैं। तो उस पे जो है ना फिर मुझे टाइम लग गया, उनके साथ बैठी रही, जाहिर से बात उनको फिर टाइम देना पड़ा। हरी भरी मेरी सब्जी तैयार हो चुकी है, मुस्तफ़ा को भी उठा दें, नींद आ गई थी मेरे बच्चे को। आ जाओ थोड़ा सा तो खा लो, आ जाओ। तैबा ये लो, दोनों का ठंडा ठंडा कस्टर्ड आ गया। केक नहीं डाला, केक बच्चों ने पहले ही खा लिया। और एंड में मैंने अपने लिए कस्टर्ड निकाल लिया। फिर मैं कस्टर्ड खाने बैठी हूँ, फिर मेरी अम्मी की भी कॉल आ गई। अम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया, बहुत देर मुझसे बात की कि तुम यहाँ से जाती तुम्हें हमने उदास देखा है, परेशान देखा है, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। पहले भी तुमने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया, इतना स्ट्रॉन्ग बन के रही हो, तो अभी इन बातों पर गौर ना करो और बस अपने बच्चों को देखो, घर को देखो। माओ की अच्छा हमेशा यही कोशिश होती है कि जो हमारी बेटी का घर है ना, पहला घर जो है ना, बस वही बसे। अपनी तरफ से वो कोशिश करती हैं, कुछ भी हो ना वो अपनी बच्ची को हमेशा वो करके वो कर देती हैं कि नहीं बस ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तुम सब्र रखो। तो माओ की हमेशा कोशिश होती है कि उनका घर इसी तरीके से गुस्से में आकर या फिर कुछ भी ऐसा करके वो अपना घर ना ख़राब करें और अपना घर चलाएँ। तो बस वही अपनी तरफ से वो मुझे समझाती ही रहती हैं और फिर उन्होंने तसल्ली भी दी है कि मैं आ जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा, मैं साथ रहूंगी, साजिद को भी समझाऊंगी तो वो तुम्हारे साथ सही हो जाएगा। अभी वो बच्चों से प्यार करता है, बच्चों के साथ रहता है, तुम इस चीज़ को देखो कि बच्चों की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, बच्चों को स्कूल लाना छोड़ना ये सारी चीज़ें फिर कौन करेगा, तुम वहाँ पर अकेली हो। तो बस अल्लाह बेहतरी करेगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अभी भी मेरे किचन का काम रह गया, बर्तन रह गए हैं बस, वो मैंने वॉश करने हैं, सब सो गए, अभी मैं ही घर में जाग रही हूँ। तो मैंने सोचा पहले व्लॉग एंड कर लेती हूँ और उसके बाद फिर किचन का काम ख़त्म करके फिर सो जाऊँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ किया करें और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और सबकी बेटियों के नसीब अल्लाह पाक प्यारे करे और उनको खुश रखे, आमीन। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।